फर्स्ट ड्राइव किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के नूरी हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने एमएस कॉलेज के जहीर खान पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि मुंब्रा के एमएस कॉलेज और कॉलेज के पीछे नूरी हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग रहते हैं उनके बीच में एमएस कॉलेज के तरफ से जो शेड लगाया गया है उस शेड को लेकर इनमें विवाद चल रहा है। नूरी हाउस में रहने वाले अकबर उमर शेख और मोइनुद्दीन कुरैशी और कुछ महिलाओं ने पतरे की शेड लगाने पर एतराज़ जताया और एमएस कॉलेज के जहीर खान पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि एमएस कॉलेज के पीछे पतली सी गली है और नूरी हाउस के पीछे भी पतली सी गली है और इन दोनों गलियों के बीच में जो दीवार है एमएस कॉलेज के तरफ से पतरे की सेट इस दीवार पर लगाई गई है। नूरी हाउस के ग्राउंड फ्लोर में रहने वालों का कहना है कि पानी बारिश का सब इनके घरों में आएगा। एमएस कॉलेज के जहीर खान से बात की तो उन्होंने बताया कि नूरी हाउस इमारत में जो लोग रहते हैं वो लोग कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से कॉलेज की जो इमारत के पीछे गली है उसमें वो कचरा आके गिरता है। कई बार मना किया गया मगर बात ना मानने की वजह से पतरे के शेड लगा रहे हैं कि जो कचरा इमारत से फेंकते हैं वही कचरा वापस उन्हीं के इमारत के गली में गिरे। मगर वहीं नूरी हाउस में रहने वालों ने बताया कि मनपा में इसकी शिकायत की गई है कि पतरे के शेड हमारे इमारत के दायरे में एमएस कॉलेज की तरफ से क्यों लगाया गया है और इस पर कार्रवाई की जाए क्योंकि बारिश का पानी हमारे घरों में आएगा। एमएस कॉलेज के जहीर खान ने क्या कुछ बताया है वो भी हम आपको सुनाएंगे मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नूरी हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों ने क्या कुछ बताया है। क्या नाम है आपका और एमएस कॉलेज का जो शेड लगाया गया है क्या तकलीफें हो रही है उसके आप लोगों के और कहाँ कहाँ आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह कुछ किया है इसका? मेरा नाम अकबर शेख है और हम लोग नूरी हाउस बिल्डिंग में रहते हैं चांद नगर में। हमारे बाजू में एमएस कॉलेज है जो आए दिन बहुत परेशानियां दे रहा है। अभी जो है तकलीफ देने के लिए उसने ऐसा आड़ा शेड मारा है जो बिल्कुल इल्लीगल है जिसकी वजह से हम जो कचरा और बारिश का पानी वगैरह वो सारा हमारे घर में सीधा घुसेगा खिड़की के ज़रिए से। अब उसको बोलने गए तो दादागिरी कर रहा है और अपनी पहचान दिखा रहा है और पुलिस का डर दिखा रहा है। इस तरीके से वो मामला हम लोगों के साथ कर रहा है डरा धमका कर शेड डालने का। पहले तो हमारी जगह कब्जा कर रहा था आगे तक शेड डाल के जब पुलिस वगैरह में टीएमसी में कंप्लेंट डाली गई तो भी वो रुका नहीं डर नहीं उसको कानून व्यवस्था का क्योंकि पता नहीं उसको क्या जोम है क्या उसको है कि वो कानून को मानता ही नहीं है शायद इसलिए उसने वो जो इल्लीगल शेड को है थोड़ा से पीछे करके लेकिन डाला उसने लेकिन उससे वो शेड से भी जितने रहवासी हैं हम लोग उन सबको तकलीफ है। सीधा पानी जो है हो सकता है कि वो शीशा तोड़ के हमारे घरों के अंदर आ जाए इतना तेज पानी आता है। वो पाची शेड जो लगाया एकदम ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है इस तरीके से लगाया है कि वो पानी जो है हमारे घर में आएगा डायरेक्ट। कचरा वगैरह तो ठीक है वो कचरा जो भी है वो लेकिन जो भी अगर ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या पत्थर या सलिया कुछ भी जैसे जो गिरता है अक्सर गिरता है वो ऊपर से भी अगर कुछ गिरा तो वो डायरेक्ट हमारे घर में आएगा सीधा हमारे घर में आएगा। हमारे घर में बच्चे हैं बीमार हैं उनके दायरे में। देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो आसपास की जो सोसाइटी होती है आसपास के जो घर होते हैं बिल्डिंग होते हैं उनको कंसिडर करके किया जाता है। अपनी मर्जी से कैसे भी करेंगे वैसा नहीं होता है। आप देख लीजिए कोई भी बिल्डिंग का पत्र है तो
तो कैसे होता है वो पथरा, कैसे लगता है? शेड जो लगा है हाँ। उसके खिलाफ है आप, तो क्या उसके लिए आपने बातचीत पहले एमएस कॉलेज के जो प्रबंधक हम से हाँ हम बातचीत करने गए तो हमें हम जब बातचीत करने उनसे गए कि भैया आप ये जो शेड लगा रहे हो ये गलत है, इस तरीके से नहीं लगाया जाता है, तो वो हमसे सीधे कहता है कि अंदर पुलिस आके बैठी है, हम पुलिस के देख रेख में काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ है आप पुलिस में बोलिए। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने हमारी शिकायत दर्ज कराई, हमसे कहा गया कि ठीक है हम उनको बोल दिए काम रोकने के लिए। फिर वहाँ से हम फिर सहायक के पास गए, सहायक अधिकारी जो यहाँ मनपा के हैं अनधिकृत बांधकाम के, उनसे मुलाकात करे, उनसे हमने बताया, उनसे हमने हमारा कंप्लेंट दिया, उसके बाद उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि नहीं हम काम बंद करने के लिए बोल देते हैं, बस हमें सिर्फ विश्वास दिला है, झूठा एक विश्वास दिला के वहाँ से भेज देंगे। शेड अभी लग चुका है क्योंकि आज शनिवार है, महीने का दूसरा हफ्ता है, दूसरे हफ्ते का शनिवार है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकारी लोग जगह पर रहते नहीं हैं, उसका फायदा उठाकर उसने ये काम कर लिया है। एक तरफ बारिश का पानी घर में आने की बात से पथरे के शेड पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, और दूसरी तरफ एमएस कॉलेज के जहीर खान ने कॉलेज की इमारत के पीछे कचरा फेंकने की वजह से पथरे के शेड लगाने की बात की है। सुनिए जहीर खान ने क्या कुछ फोन लाइन पर जानकारी दी है। जहीर भाई, आपके एमएस कॉलेज के जो है पीछे एक नूरी हाउस बिल्डिंग है, तो वहाँ पर आप जो है पत्रा लगा रहे हैं, तो क्या वजह है जो पत्रा लगा रहे हैं और जो इमारत के जो ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, एतराज जता रहे हैं कि पत्रा आपका जो लगाया जा रहा है तो उसका बारिश का पानी जो है उनके इमारत में आएगा, उनके घरों में जाएगा? बारिश के पानी की वजह से नहीं लगा रहा हूँ, वो जो बाजू में इमारत है नूरी हाउस, तो उन्हीं लोग की बिल्डिंग से कचरा आता है हमारे कंपाउंड में, वो गली है, कंपाउंड नहीं है, छोटी सी गली है 3 फीट की, हर साल मैं उसको साफ कराता हूँ और कम से कम 1 से 1.5 फीट कचरा जमा हो जाता है। उधर हमारा कोई किचन नहीं है, सिर्फ क्लासरूम है बच्चों का, उसमें चूहे आते हैं, वो खड्डा करते हैं, फिर अंदर कचरा लेके आते हैं उठा उठा के, और थैली की आवाज़ आती है रात में कभी कभी, मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ 7-8 बजे तक, तो फेंकने की आवाज़ आती है कचरा। तो मैंने इन लोग को बोला भी पहले बिल्डिंग वालों को कि कचरा मत फेंको, आप अपने उधर जाली लगवा लो किचन उचन में जहाँ से कचरा आता है हमारे पास, तो कोई नहीं लगवाए वहाँ पर। फिर मैं इस साल देख रहा हूँ फिर उतनी कचरा जमा हो गया, तो इस वजह से मैं पत्रा लगाया कि इनकी बिल्डिंग का कचरा इनके पास वापस जाए, और ये अपनी सोसाइटी में मना करे कि कचरा मत फेंका करो बाहर, जब कचरे वाला आता है तो उसको दे दिया करो, इस वजह से मैंने पत्रा लगाया। ज्यादा चौड़ा लंबा नहीं है, गली है छोटी सी 3-3.5 फीट। तो मगर उनका ऐसा कहना है कि आप पत्रा लगाए थे तो आप अपने ही अंदर रखते दायरे में, बिल्डिंग के दीवार के इस पार पत्रा किए, तो बारिश का भी पानी अगर तेज बारिश हुई बारिश तो उनके घरों में आएगा पानी? नहीं नहीं, घर में नहीं आएगा, बारिश जब आएगा ना तो उनके कंपाउंड में भी बारिश आएगी, हमारे पत्रे पे भी बारिश आएगी, सब जगह आएगी ना बारिश। उनका कहना है कि उन लोगों ने मना किया आपको ऐसा करने से, तो आपने धमकी वगैरह भी उन लोगों को दिया कि हमारे पास परमिशन है, आप रोक नहीं सकते, पुलिस कंपाउंड में हमारे यहाँ बैठी हुई है, पुलिस बैठी हुई है, कैसे रोकेंगे? धमकी नहीं दिया मैंने, उन्होंने पुलिस लाया तो पुलिस ने मुझे पूछा ऐसा ऐसा कि आप पत्रा लगा, मैंने सर आप खुद आके देख लीजिए कितनी गंदगी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब बिल्डिंग वालों का कचरा दिख रहा है, थैली भर भर के आए, उसमें बच्चों के छोटे छोटे झूले है और चड्डी है, तब कपड़े वपड़े चद्दर है, वो सब वहाँ पे पड़ा देखा उन्होंने, और धमकी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जहीर भाई काम रोक दो। मैंने कहा क्यों रोक दो, कचरा मैं हर साल साफ कराऊंगा और तुम कचरा फेंकते रहो, तुम अपनी बिल्डिंग वालों को नहीं संभाल पाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं उनको, बस यही है, बाकी धमकी किस चीज का दूंगा, तो पड़ोस में ही है बिल्डिंग, मैं भी पड़ोस में ही हूँ। तो सुना आपने कि दोनों तरफ से अपनी अपनी आपबीती सुनाई जा रही है, मगर नूरी हाउस के लोगों ने इस पत्रे के शेड को इलीगल बताया है और मनपा में इसके लिए जो है लेटर भी दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि इमारत से जो लोग कचरा फेंकते हैं इससे भी लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और यही कचरा फेंकने की वजह है कि जो एमएस कॉलेज की तरफ से ये पत्रा लगाया जा रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।